एक जंगल में एक डायनासोर रहता था। कई दिनों से खाना न मिलने के कारण वह बहुत भूखा था और कमजोरी के कारण उसे चला भी नहीं जा रहा था। अरे क्या करूं? कई दिनों से कोई शिकार हाथ नहीं आया है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं भूखा मर जाऊंगा। अब तो चलने की भी हिम्मत नहीं रही। तभी उसे एक गाय दिखाई देती है। गाय को देखकर उसे जोश आ जाता है और वह उस गाय का शिकार करने के लिए उसके पीछे दौड़ने लगता है। पर गाय भी कम नहीं थी, वह भी पूरी तेजी से भागती है। गाय आगे आगे तो डायनासोर पीछे पीछे। चूंकि डायनासोर भूखा होने के कारण उतनी तेज नहीं भाग सकता था तो गाय भी उसके हाथ नहीं लगती है और वह भी भाग जाती है। अरे ये भी हाथ से निकल गई, अब मैं क्या करूं, क्या खाऊं? अब वह डायनासोर धीरे धीरे जंगल में आगे बढ़ने लगा। अब उसके लिए हर कदम आगे बढ़ाना भारी पड़ रहा था। उसे जल्दी से खाना चाहिए था, नहीं तो वह भूख के कारण कहीं भी गिर सकता था। धीरे धीरे चलते चलते वह जंगल में काफी आगे बढ़ गया। कुछ देर में उसे एक गुफा दिखाई पड़ी। वह सोचने लगा, अरे ये गुफा किसकी है? देखता हूँ शायद इस गुफा में कोई जानवर बैठा हो, भोजन भी हो जाएगा और आराम भी मिल जाएगा। अब वह गुफा के अंदर चला जाता है, पर वह गुफा तो खाली थी, वहां कोई जानवर नहीं था। अरे फूटी किस्मत मेरी, ये गुफा भी खाली है, लगता है मैं भूखा ही मर जाऊंगा। तभी उसे वहां मांस का एक छोटा सा टुकड़ा मिल जाता है और वह उस मांस के टुकड़े को खा जाता है। लेकिन इतने से कहां उसका पेट भरने वाला था। अरे इससे तो मेरी भूख कम होने के बजाय और बढ़ गई है। अब वह डायनासोर कुछ देर आराम करने की सोचता है। अब वह वहीं रुककर आराम करने लगता है। वह गुफा शेर की थी। शेर जब जंगल से शिकार करके वापस आया तो उसने वहां पर डायनासोर के पंजों के निशान देखे। शेर बहुत चतुर था, वह समझ गया कि डायनासोर गुफा में आया है। लेकिन वह ये नहीं जानता था कि डायनासोर अब भी गुफा के अंदर ही है या फिर वह चला गया है। अब वह कोई तरकीब सोचने लगता है। कुछ देर सोचने के बाद वह बोलता है, अरे गुफा देखो मैं आ गया हूँ। गुफा तुम सो गई क्या? अरे रोज तो तुम मेरे आने पर मेरा स्वागत करती थी, आज तुम्हें क्या हो गया है? देखो अगर तुम मुझसे बात नहीं करोगी तो मैं यहाँ से वापस चला जाऊंगा और फिर कभी वापस नहीं आऊंगा। मूर्ख डायनासोर सोचता है, अरे लगता है ये गुफा शेर से बात करती है और मेरे अंदर होने की वजह से डर गई है। कोई बात नहीं, आज मैं इसकी तरफ से शेर से बात करता हूँ और जब वह शेर अंदर आएगा तो मुझे पेट भर के खाना मिलेगा। ये सोचकर डायनासोर ने आवाज दी, मेरे प्यारे शेर मैं तो मजाक कर रही थी, तुम्हारा स्वागत है, अंदर आ जाओ। शेर समझ जाता है कि डायनासोर अब भी अंदर ही है। वह सावधान होकर कहता है, अरे ओ डायनासोर मुझे क्या बेवकूफ समझा है? मैं क्या पागल हूँ जो अंदर आकर तुम्हारा भोजन बन जाऊं? मैं तो चला, अब मैं तुम्हारे हाथ नहीं लगने वाला। शेर वहां से वापस भाग जाता है और फिर डायनासोर भी वहां से धीरे धीरे जंगल की ओर जाने लगता है। एक जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे। उस जंगल का राजा शेर अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी और ताकतवर समझता था। जंगल के सभी जानवर उस शेर की मूर्खता के चलते काफी परेशान थे।
जंगल का राजा शेर किसी भी जानवर को अपना निवाला बना लेता था। वाह, कितना स्वादिष्ट भोजन है, मजा आ गया। ऐसे ही मैं सारे जानवरों को मार कर खाऊंगा। शेर के ऐसा करने से जंगल के सभी जानवर धीरे धीरे खत्म होने लगे। अब जब भी शेर को भूख लगती तो वह शिकार की तलाश में दूर दूर तक भटकने लगा, मगर फिर भी शेर को अपने शिकार के लिए जानवर मिलना मुश्किल होने लगा। अरे ये जंगल के जानवर कहाँ मर गए, कोई भी दिखाई नहीं देता है, ऐसे तो मैं भूखा मर जाऊंगा, क्या करूं? मैं तो थक गया हूँ जानवर ढूंढते ढूंढते, लेकिन कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। उस जंगल में एक बहुत बड़ा पहाड़ था जिसके दूसरी तरफ बहुत सारे खतरनाक जानवर जैसे डायनासोर और ड्रैगन आदि रहा करते थे। शेर की रोज की हरकतों से परेशान आकर लोमड़ी ने जंगल के सभी जानवरों की पंचायत बुलाई और सभी जानवरों को बोला गया कि इस मीटिंग के बारे में शेर को खबर नहीं होनी चाहिए। सभी जानवर इस मीटिंग में आ गए। लोमड़ी ने सभी जानवरों से कहा, दोस्तों, शेर रोजाना हमारे बच्चों और भाइयों का शिकार करने लगा है, इस तरह तो हम सब एक दिन खत्म हो जाएंगे। अब हमें उस मूर्ख शेर से जल्द छुटकारा पाने का कोई उपाय ढूंढना चाहिए। लोमड़ी की यह बात सुनकर सभी जानवर अपनी अपनी सलाह देने लगे। तभी एक चालाक खरगोश बोला, क्यों ना हम उस शेर को पहाड़ी के उस पार भेज दें? वहां पर खूंखार जानवर शेर को एक दिन भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। खरगोश की यह बात सुनकर सभी जानवर बहुत खुश हुए और शेर को पहाड़ी के उस पार भेजने के उपाय ढूंढने लगे। लोमड़ी ने कहा, कल जब शेर शिकार के लिए निकलेगा तो हम सब चालाकी से उसे पहाड़ के उस पार भेज देंगे। इसके लिए हम सबको मिलकर प्रयास करना होगा। अगले दिन सुबह को शेर अपने शिकार की तलाश में पहाड़ी के आसपास घूम रहा था। तभी खरगोश शेर के सामने आकर बोला, अरे महाराज, आप यहाँ शिकार की तलाश में घूम रहे हो? उधर पहाड़ी के पार एक मोटा ताजा ऊंट हरी हरी घास चर रहा है, क्यों ना आप उसका शिकार करके अपनी भूख को शांत कर लें? ऐसी बात है, अभी जाता हूँ और अभी अभी उसको अपना शिकार बनाता हूँ, तुम यहीं रुको, अगर ये बात झूठ हुई तो तुम्हारी खैर नहीं। खरगोश की बात सुनकर मूर्ख शेर तेजी से पहाड़ी पर चढ़ने लगा और वह जल्दी जल्दी उस पहाड़ी को पार कर गया और वहां जाकर उसने देखा कि बड़े बड़े खूंखार डायनासोर और ड्रैगन वहां घूम रहे हैं। शेर जंगल के जानवरों का खेल समझ चुका था, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अचानक एक ड्रैगन शेर की तरफ लपका और उसने एक ही निवाले में पूरे शेर को निगल लिया। और इस तरह से जंगल के जानवरों ने अपनी सूझबूझ से उस मूर्ख शेर से निजात पाई।